हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैदराबादी फूड ऐप। आज मैं आपको बता रही हूँ मटन काली मिर्ची की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुकर में प्याज ले ली है, ये 3 बड़ी डली प्याज है। इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे 4 to 5 टेबल स्पून, और इसमें साथ ही साथ आप डालेंगे साबित गरम मसाला, थोड़ा सा शाही जीरा, दालचीनी और 2 इलायची, और इसे हम लाइट ब्राउन होने के लिए रखेंगे। इसे मिक्स करके लाइट ब्राउन होने देंगे। प्याज ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 फुल टीस्पून, और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। से 8 मैंने हरी मिर्ची ऐड की है, और हम इसमें ऐड करेंगे मटर, और इसमें हम डालेंगे नमक 3-4 टीस्पून डालेंगे हम, तो टेस्ट करके ऐड करेंगे। काली मिर्ची ऐड करूंगी मैं 1/2 टीस्पून। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। एक से 2 मिनट रखेंगे ऐसे ही, जब तक कि मटन का कलर चेंज नहीं हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, 1 कप वाटर ऐड किया है मैंने, ताकि मटन में हमें मलाना है भी। और बिल्कुल भी हरी मिर्ची ना यूज करें आप, सिर्फ हरी मिर्च, लाल मिर्च ना यूज करें, हरी मिर्ची और काली मिर्ची यूज करेंगे। चलिए इसे कवर करेंगे और 3 सीटी आने तक गैस पे रखेंगे। 3 सीटी हो गए हैं और हमने लिड निकाल दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे, ताकि जो प्याज नजर आ रही है वो भी नजर ना आए और वो अच्छे से भून जाए। 1 से 2 मिनट बस आके सड़के ही भूने। अब हम इसमें ऐड करेंगे कर्ड, 3 टेबलस्पून कर लिया है मैंने, और इसे अच्छे से फेंक दिया। जब भी आप दही डालें उसे आप पहले से फेंट लें और फिर ऐड करें, वरना वो भूरा भूरा होगा। चलिए अभी से 5 मिनट पकाएंगे हम, और उसके बाद नमक और काली मिर्ची टेस्ट करके थोड़ी सी ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने काली मिर्ची कम ऐड की थी। इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे। 5 मिनट्स हो गए हैं दही को पकते हुए। अब आप गैस का फ्लेम कम्प्लीटली लो कर देंगे, क्योंकि हमें थोड़ा ग्रेवी चाहिए। ये जो है प्याज और दही का ग्रेवी है। चलिए थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हम, क्योंकि हमने कम डाला था। आप भी टेस्ट करके ऐड कर लें, 3-4 टीस्पून लगता है ये। और थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। बस थोड़ा तेल आने तक इसे लो फ्लेम पे 3 to 5 मिनट्स रखेंगे, और हरा धनिया डाल के गैस का फ्लेम हमें ऑफ कर देना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम बारीक कटी हुई कोथमीर। ये देखिए रेडी हो गया है मटन काली मिर्ची का सालन, यानी ब्लैक पेपर मटन ग्रेवी। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी ट्राई करें। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। देखते रहिए हैदराबादी फूड। थैंक यू एवरीवन।